नमस्ते, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे से होंगे। तो आज की क्लास में हम करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की प्रैक्टिस। इससे लास्ट क्लास में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को डिटेल में पढ़ा था। आई होप आपने पूरी क्लास को अच्छे से देखा होगा। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स बिगिन द सेशन। आज का फर्स्ट सेंटेंस है, वो है हमारा, लकड़हारा लकड़ी काट रहा है। तो हमने आपको बताया था किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले जानने की जरूरत है कि वह सेंटेंस किस टेंस का है। ओके, तो आपने कैसे जाना ये सेंटेंस किस टेंस का है? रहा है, रही है, रही है, सभी में देखो आ रहा है। तो ये किस चीज को दिखा रहा है कि ये टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है। ओके, इतना आपने समझ लिया। इसके बाद हमें ये देखना है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। तो लकड़हारा का क्या होता है? वुड कटर। तो हम क्या लिखेंगे? वुड कटर, द वुड कटर। अब लकड़हारा क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। हमने आपको बताया था प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, वो तीन होती हैं। कौन कौन सी? इच, एम, आर। इच कब यूज करते हैं? जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। आर कब करेंगे? जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा। और आई के साथ एम का यूज करते हैं। ओके, तो हमारा सब्जेक्ट कैसा? सिंगुलर। तो हम यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज कर देंगे? इच। ठीक, अब हमें चाहिए मैन वर्ब। यहाँ पर मैन वर्ब क्या है? काटने का। क्या काम कर रहा है? एक्शन क्या हो रहा है? काटने का। तो काटने का क्या होता है? कट। और कट में क्या कर देंगे हम? आई एन जी एड कर देंगे, कटिंग। क्या काट रहा है? वुड, लकड़ी काट रहा है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है, यह राज दीवार बना रहा है। यह राज, सब्जेक्ट क्या है हमारा? यह राज। तो हो जाएगा दिस। और राज की क्या होती? मैशन। क्या होती है? मैशन। ओके, अब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, इट चाहिए हमें। क्या कर रहा है? बना रहा है। तो बनाना की होती है मेक। और मेक में क्या ऐड कर देंगे हम? आई एन जी। क्या बना रहा है? बॉल बना रहा है, दादा बॉल, दीवार बना रहा है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। काला कुत्ता अजनबी पर भौंक रहा है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? काला कुत्ता। तो क्या लिखेंगे? द ब्लैक डॉग। ठीक, सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर है, सिंगल डॉग है। तो हम ये लिखेंगे इज। और जो मैन वर्ब है क्या है? भौंकना। और भौंकने की क्या होती है? बार्क। बार्क में क्या ऐड कर देंगे हम? आई एन जी। ये आई एन जी किस चीज को दिखाता है? कि कोई काम कंटिन्यू हो रहा है, लगातार जारी है, कैरी ऑन है। ओके, तो वर्किंग किस पर भौंक रहा है? स्ट्रेंजर्स पर, एट द स्ट्रेंजर्स। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, वो क्या है? कुछ विद्यार्थी पुस्तकालय में समाचार पत्र नहीं पढ़ रहे हैं। तो आपने सेंटेंस देखा, नहीं शब्द यूज हो गया। हमारा सेंटेंस कैसा हो गया? नेगेटिव। ठीक, तो हम नेगेटिव के लिए इसमें क्या ऐड कर सकते हैं? नॉट। तो कुछ, और सब्जेक्ट हमारा क्या है? कुछ विद्यार्थी। तो हम लिखेंगे सम स्टूडेंट्स, सम स्टूडेंट्स। अब सम स्टूडेंट्स कैसे हो गए? बहुत सारे हो गए, कुछ है, कितने हैं हमें नहीं पता। तो हम यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे? आर। ओके, और काम क्या नहीं कर रहे हैं? अखबार पढ़ने का। उस तो हम क्या लिखेंगे? नॉट रीडिंग द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर कहाँ नहीं पढ़ रहे हैं? लाइब्रेरी में, इन द लाइब्रेरी। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम्हारे मित्र गणित के प्रश्न हल नहीं कर रहे हैं। ये भी हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। तो तुम्हारे मित्र की क्या हो जाएगी? योर फ्रेंड्स, मित्र है ना, बहुत सारे हैं। तो हेल्पिंग वर्ब कैसी होगी? बहुवचन की होगी। वो क्या होगा? आर। क्या नहीं कर रहे हैं? तुम्हारे मित्र गणित के प्रश्न हल नहीं कर रहे हैं। अब हल करना की क्या होती है? सॉल्व। और सॉल्व में क्या ऐड कर देंगे? आई एन जी, सॉल्विंग। ठीक, द क्वेश्चंस या सम्स भी लिखते हैं हम। क्या लिखते हैं? सम्स भी कहते हैं प्रश्न को। ठीक, सम्स ऑफ द, नहीं सम्स ऑफ द नहीं लिखेंगे, मैथमेटिक्स। ठीक है, या हम यहां पर इसको सम्स भी लिख सकते हैं। इसको
क्वेश्चंस को। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। तुम्हें मोहन ने नहीं तुम्हें मोहन नहीं बुला रहा है। क्या लिखा? तुम्हें मोहन नहीं बुला रहा है। तो इस सेंटेंस में क्या है? मोहन काम करने का, बुलाने का काम कौन कर रहा है? एक्शन किसके द्वारा हो रहा है? वो हो रहा है मोहन के द्वारा। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? मोहन। तो हम यहाँ लिखेंगे मोहन। अच्छा, एक सेंटेंस मिस हो गया है। वो क्या लिखा है? क्या राम का भाई परीक्षा में नकल कर रहा है? है ना? तो हम इसको बनाएंगे यहाँ पर, क्या राम का भाई। ये हमारा कैसा हो गया? इंटरोगेटिव सेंटेंस। सेंटेंस किस स्टार्ट से, शब्द से स्टार्ट हो रहा है? क्या शब्द से। जब सेंटेंस क्या शब्द से स्टार्ट होता है तो हम क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब से बनाना शुरू करते हैं। राम का भाई सिंगुलर है तो हम लिखेंगे इज राम्स ब्रदर। ओके, परीक्षा में नकल कर रहा है। अब नकल करने की क्या होती है? कॉपी। तो हम क्या लिख देंगे? कॉपिंग। ठीक, इसमें परीक्षा में, इन द एग्जामिनेशन। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हें मोहन नहीं बुला रहा है। तो हम इसको बनाएंगे मोहन इज नॉट, बुलाना है कि कॉल, और आईएनजी ऐड कर देंगे। किसे नहीं बुला रहा? यू, तुम्हें। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, आज बारिश नहीं हो रही है। ठीक, तो क्या लिखेंगे? इट इज नॉट, रेन की क्या होती है? बारिश, और उसमें क्या लगा देंगे? आईएनजी, रेनिंग टुडे। ओके, यही बताया था मैंने, जब भी कोई बारिश, मौसम से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट जिसमें ना मिले उसमें क्या यूज कर लेते हैं? इट। नेक्स्ट, जज साहब मुकदमे की सुनवाई नहीं कर रहे हैं। तो क्या लिखेंगे? द जज, ठीक, नहीं कर रहे, जज सिंगुलर होते हैं तो यहाँ पर तो क्या है? इज नॉट, और सुनवाई करने की होती सुनना, जैसे किसी चीज को हियरिंग। ठीक, क्या नहीं सुन रहे? द केस, केस को नहीं सुन रहे हैं। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है, हम अपने मित्रों की प्रतीक्षा नहीं कर रहे हैं। तो हम की क्या होगी? वी, और बी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी? आर, और हम नॉट के लिए क्या यूज करेंगे? अरे सॉरी, नहीं के लिए यूज करेंगे नॉट, प्रतीक्षा करना। ये क्या होती है? वेट, और वेट के लिए हम क्या लगा देंगे? आई एन जी, इसमें वेटिंग। किसकी नहीं कर रहे हैं? अपने मित्रों की, वेटिंग फॉर। अब अवर लगाएंगे हम के अकॉर्डिंग यहाँ पर, पजेसिव क्या, केस क्या आएगा? अवर, अवर फ्रेंड्स। ओके, वी आर नॉट वेटिंग फॉर अवर फ्रेंड्स। तो आपने इतने सेंटेंस अच्छे से बना लिए होंगे, इतना आप नोट करें, इससे आगे और बनाते हैं। Okay, तो इतना देखा, आगे सेंटेंस है हमारे पास, क्या सुनार तुम्हारी अंगूठी बना रहा है। तो क्या बनाएंगे? सेंटेंस हमारा स्टार्ट है क्या शब्द से, तो हम लिखेंगे इज, और सुनार की क्या होती है? द गोल्ड स्मिथ, गोल्ड स्मिथ क्या कर रहा है? अंगूठी बनाना। बनाना की क्या होती है? मेक, और मेक में क्या ऐड कर देंगे? आई एन जी, मेकिंग तुम्हारी अंगूठी, योर रिंग। ओके, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, क्या वह उपन्यास नहीं पढ़ रहा है? तो क्या लिखेंगे हम? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या वह है, और वह की क्या होती है? इज, पढ़ना की क्या होती है? रीड, उससे पहले हमें क्या लिखना है? नॉट, नेगेटिव है ना, रीड में क्या ऐड कर देंगे? आई एन जी, रीडिंग। उपन्यास की क्या होती है? नॉवल, नॉवल। ओके, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस लिख लेते हैं, क्या गवाह सच नहीं बोल रहा है? तो क्या लिखेंगे? गवाह एक ही है, इज द विटनेस, गवाह की कहते हैं हम विटनेस, और नहीं के लिए नॉट, आफ्टर द सब्जेक्ट इन इंटरोगेटिव सेंटेंस। बोलना की क्या होती है? स्पीक। ठीक, और स्पीक में क्या लगा देंगे? आई एन जी, सच बोलना, स्पीक द ट्रूथ, स्पीकिंग द ट्रूथ। ओके,
क्वेश्चन मार्क नया सेंटेंस देख लेते हैं। क्या चपरासी घंटी नहीं बजा रहा है? तो चपरासी सिंगल है, तो इज द पियोन, नहीं कि नॉट, बजाने की क्या होती है रिंग, और रिंग में क्या लगा देंगे आई एन जी, रिंगिंग द बेल। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। क्या तुम स्टेशन नहीं जा रहे हो? तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम क्या यूज करेंगे आर, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है यू, आर यू नॉट, और जाना की गो, गो में क्या ऐड कर देंगे आई एन जी, गोइंग टू द स्टेशन। ओके, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम किसे बुला रहे हो? तो क्या हो जाएगा, किसे की क्या होती है हूम, ठीक है, और सब्जेक्ट क्या है हमारा यू, तो उसके अकॉर्डिंग क्या लगा देंगे आर, हूम आर यू कॉलिंग। ओके, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। वह किसकी पुस्तक पढ़ रहा है? तो हमने आपको ऐसे सेंटेंस बनाना सिखाए थे, किसका किसकी के लिए क्या लगाते हैं विच और हुज। किसकी पुस्तक पढ़ रहा है, हुज बुक या विच बुक क्या लगा देंगे, विच बुक यहाँ पे लिखेंगे, हाँ हुज बुक। ओके, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह है हुज बुक इज ही रीडिंग। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। वह अलीगढ़ कब जा रहा है? तो कब की क्या होती है when, ठीक है, इज ही गोइंग टू अलीगढ़। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम कौन सा समाचार पत्र खरीद रहे हो? ठीक है, तो क्या लिखेंगे विच न्यूज पेपर। ओके, विच न्यूज पेपर आर यू, खरीदना की होती है बाई, तो उसमें क्या ऐड कर देंगे आई एन जी, बाइंग। ओके, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट आज का लास्ट सेंटेंस है, क्या शैतान बच्चे हॉल में शोर मचा रहे हैं? तो क्या होगा आर, शैतान बच्चों की क्या हो जाएगी मिसचीवियस बॉयज या चिल्ड्रन, बॉयज नहीं चिल्ड्रन लिखो, चिल्ड्रन, ठीक है, शोर मचाना की होती है मेक अ नॉइज, तो क्या हो जाएगा मेकिंग अ नॉइज। ओके, क्वेश्चन मार्क। सो आई होप आपने सभी सेंटेंस को अच्छे से बनाया होगा और अपने सेशन को एंजॉय भी किया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक रखें अपना ध्यान, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।